फाइनली सुजलोन के ऊपर एक जबरदस्त वीडियो आपका इंतजार कर रही थी। बहुत कमेंट आई कि सर सुजलोन आपने 7 रुपए से डिस्कशन करना स्टार्ट किया था, आज 70 रुपए हो गया, 76 रुपीज के आसपास चला गया है। क्या सुजलोन और ऊपर जा सकता है 2028-30 तक, क्या भाव हो सकते हैं? किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, पूरा डिटेल्ड चीरफाड़ करेंगे ताकि समझ में आए आपको खुद अपने आप कि क्या करना है सुजलोन में। सुजलोन एक ऐसी कंपनी थी जिसको मैं तब से फेवर कर रहा हूं जब उसके ऊपर मीडिया में चर्चा नहीं होती थी। लोग कहते थे भैया ये तुलसी तांती की मरी हुई कंपनी है, और ये क्योंकि उनके ओनर भगवान के पास जा चुके हैं, बस ये कंपनी भगवान के पास जानी बाकी है। मेरा विश्वास था कि विंड एनर्जी की कंपनी एकमात्र कंपनी है जिसके पास यूरोप में मार्केट शेयर 40% के आसपास एक टाइम पे था। 2008 में जब इस कंपनी को शुरू किया गया था उस समय तुलसी तांती जी इतने फ्यूचरिस्टिक थे कि आने वाले वर्ल्ड को विंड टर्बाइन्स की जरूरत पड़ने वाली है, ग्रीन एनर्जी की हम बातें करेंगे और हवा से बिजली बनाने की बातें होंगी, पर उस समय हमें जरूरत नहीं थी। उस समय तो पावर इंडस्ट्री के अंदर रिफॉर्म्स ही नहीं थे। आज रिफॉर्म्स हो रहे हैं, आज गाइडलाइंस इश्यू की जा रही है। पावर इंडस्ट्री has become the backbone of Indian economy. Let me tell you, it is the backbone of Indian GDP, I must say. आज सुजलोन के बारे में कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं। हम टारगेट्स क्या हैं, चार्ट क्या कहता है, ये तो डिस्कस करेंगे है ना, बट यहां पे सबसे बड़ी चीज, सुजलोन सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स के लिए काम करता था। सुजलोन किसी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के लिए काम नहीं करता था, सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। और आपको मालूम है सुजलोन किसके लिए काम करता है प्राइवेट में? सबसे बड़े घराने के लिए जिसका नाम है अडानी। नहीं पता, न्यूज कंफर्म करते हैं। हर चीज आपको गूगल पे मिलेगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये आर्टिकल है, पावर टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है, उस पर आर्टिकल मिला हमें 31 मई 2024 का, पावर प्लांट प्रोफाइल अडानी ग्रीन एनर्जी सुजलोन इंडिया। टाइप है दोस्ती है। आप सोच रहे हो सुजलोन क्या कर रहा है? सुजलोन अडानी के लिए काम कर रहा है, अडानी के साथ काम कर रहा है। अडानी ग्रीन एनर्जी सुजलोन ये कंपनी का ज्वाइंट नेम है। Is a 327 megawatt onshore wind power project. It is planned in Gujarat, India. According to the global data, who tracks and profiles over 170,000 power plants worldwide, the project is currently at the dormant stage. अभी dormant है. It will be developed in a single phase by the profile here. मतलब ये buy करने की बात हो रही है. ये भैया ये काम बहुत जल्दी होने वाला है, ध्यान रखना. ठीक है? और 2025 तक शायद ये commission हो जाएगा. अब दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या आ रही है? दूसरी सबसे बड़ी चीज आ रही है कि इसने सरकारी कंपनियों के लिए बिड लगाने की एलिजिबिलिटी प्राप्त कर ली है। तो अब जो एनटीपीसी है, जो ऑर्डर्स निकालने वाला है, उसके लिए भी सुजलोन बिड करने वाली है। ये देखो, ये भी न्यूज आपके सामने मिल जाएगी, मेरी नहीं है, मिंट की न्यूज है। देख लीजिए, यहां पे पूरी एक न्यूज है। एक लाइन पे ध्यान दिलाना चाहूंगा, एज सुजलोन बिकम्स एलिजिबल टू बिड फॉर पीएसयू टेंडर्स सच एज दोज फ्रॉम एनटीपीसी, it is anticipated that the company will secure substantial orders in 2025 and beyond, aided by expected reduction in competitive pressure, it noted. Wind energy ka baap, wind turbines ka baap kahunga, ek monopoly kahunga, kyunki ye wo company hai jiske paas experience hai. बहुत सारी ऐसी कंपनीज बिजनेस में आ रही है जिन सबके ऊपर टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेके आता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में शेयर भी किया करो यार, कमेंट जरूर किया करो, है ना। तो यहाँ पे देखो, विंड टर्बाइन की एक कंपनी, डेट फ्री कंपनी, ये भी क्या नेक्स्ट सुजलोन बनेगी, ये भी एक वीडियो है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी जो सुजलोन बन सकती हैं, बनने की कगार पे हैं, या बनेंगी नहीं बनेंगी पता नहीं, वीडियोस देख लो। सुजलोन को कब से डिस्कस कर रहे हैं आप चैनल पे जाके देखेंगे, सुजलोन आपको यहाँ दिखाई देगा लगातार लगातार। सुजलोन भैया, इस कंपनी को आप पीछा हमने छोड़ा नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि ये कंपनी एक मल्टीबैगर कंपनी शुरू से थी और आगे भी होने वाली है। तो अगर सरकारी कंपनी के प्रोजेक्ट इसको मिलने वाले हैं तो क्या ब्राइट फ्यूचर इसका हो सकता है? आप बात 2030 की बात कर रहे हैं, मैं बात 2040 की करना चाहूंगा, मैं बात 2070 की करना चाहूंगा। 2040-2070 वी कैन टॉक अबाउट, बिकॉज दिस कंपनी वंस बिफोर गेटिंग स्प्लिट वॉज ट्रेडिंग अबाउट 1000 रुपीज। आपके चार्ट के ऊपर में 400 रुपीज का प्राइस आता होगा, बट वो स्प्लिट होने के बाद का भाव है। तो अगर स्प्लिट होने के भाव के बाद भी बात करें तो दिस कंपनी हैज पोटेंशियल टू रीच 400 रुपीज इन कमिंग ईयर्स। वो 2025 में होगा, 30 में होगा, मालूम नहीं। ये स्टॉक मार्केट में आपने हमेशा सरप्राइजेस देखे हैं। चार्ट के ऊपर चलते हैं, चार्ट क्या कहता है? चार्ट के ऊपर कुछ लाइंस मैंने मार्क करके बहुत सारी, देखो ये चार्ट कैसे चल रहा है। ये चार्ट के ऊपर मैंने कहां कहां लाइंस मार्क किए, 12 पे, 20 पे, 36 पे, 12 पे, 20 पे, 36 पे, 43 के आसपास में, 56 के आसपास में, 64 के आसपास में। उसके बाद क्या, उसके बाद चलते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के पास में, और ये टीडीसी
सभी स्टूडेंट्स को फ्री मिलने वाला है जो डेली क्लास में आने वाले, और लाइफ टाइम फ्री रहेगा। आपकी फीस क्या है? फीस सिर्फ 27,000 है, वो भी डिस्काउंट के बाद में, और एक साल की फीस टीटीसी की 72,000 है जो आपको फ्री मिलने वाला है, बाकी लोगों को फ्री नहीं मिलने वाला, लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम चलते हैं और लिखते हैं सिर्फ सुजलोन। मुझे पूरी जर्नी इसकी मिल जाएगी सुजलोन की। देखिए आपके सामने 56, 64, 72 क्रॉस हो गया। नेक्स्ट पढ़ाओ क्या, 81, 90, 100, 110। अरे सब निकल के आएगा। सपोर्ट क्या है? 64, 56। देखो सपोर्ट पे आया क्या, 56, 64 सपोर्ट। या मंथली है, मंथली चार्ट दिखा रहा हूं आपको मैं। इसको आप डीप डाइव डाउन करोगे तब भी वही निकल के आएगा। देखो डेली चार्ट के ऊपर 64 के ऊपर में कितना टाइम बिताया, 64, 65 आसपास हो सकता है, 55.86। देखो ये देखो 56 क्रॉस नहीं हो रहा था। लुक एट दिस लेवल गाइस, लुक एट दिस रिजेक्शन। अरे इसके बाद एक हैमर बना आपका, किधर बना, 56 के ऊपर में, उसके बाद में 64 के ऊपर में। दिस इज द पावर ऑफ ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर। आई मीन यू विल गेट द हेल्प टू ट्रेड द ट्रेंड विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर। दैट मींस एवरीथिंग इन द स्टॉक मार्केट इज अ नंबर गेम। बिलीव मी गाइस, मेरा कैलकुलेटर इतना शानदार है जिससे मैं किसी भी कंट्री के स्टॉक मार्केट, किसी भी क्रिप्टो करेंसी, किसी भी तरह की डिजिटल करेंसी को ट्रेड करता हूं। एनीथिंग विच कैन बी ट्रेडेड हैज गॉट नंबर्स, कैन बी एक्चुअली प्रिडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेटर। बट ओनली थिंग इज कि आपको उस हथियार को चलाना आना चाहिए। उस चाकू से आप सब्जी काटते हैं, किसी की नाक काटते हैं, गला काटते हैं, क्या काटते हैं, वो आपके ऊपर में है। कम से कम यू शुड नो दैट यू हैव अ नाइफ एंड दैट नाइफ इज यूज्ड टू कट समथिंग। आपके ऊपर है, आपको सब्जी काटनी है, फल काटना है या क्या काटना है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुजलोन के टारगेट्स क्या हो सकते हैं। चलो टारगेट्स की बात करेंगे तो भैया सेबी पीछे पड़ जाएगी, बट फिर भी आप लोगों ने इतने प्यार से पूछा ही है तो एक कोशिश करते हैं, एक काम करते हैं। जहां स्टॉक खड़ा हुआ है ना अभी, क्योंकि इससे ऊपर तो अभी है नहीं, ये हाई है, लाइफ टाइम हाई समझ लीजिए, और यहां से जो लाइफ टाइम बॉटम था ना इसका, एक काम करते हैं, ये लाइफ टाइम बॉटम पे छोड़ देते हैं। हो गया क्लियर? मतलब लाइफ टाइम हाई पे लगा दिया। पहला पड़ाव क्या निकल रहा है आपका, दिमाग खराब हो जाएगा देख के। आई एम सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज बट यस दिस विल ब्लो अप योर माइंड। इंग्लिश में अच्छा लगता है, हिंदी में थोड़ा खराब लगता है ना। मातृभाषा हिंदी है भाई, हिंदी के ऊपर रहो, हिंदी बोला करो। दिस इज अ प्राइड है ना, भारत के लोग हैं, भारत की भाषा हिंदी है। 122 रुपीज इज 1.618 रिट्रेसमेंट। उसके बाद में रिट्रेसमेंट हुई, द नेक्स्ट लेवल विल कम एट 196 रुपीज, द थर्ड रिट्रेसमेंट विल कम एंड हिट 271 रुपीज, द लास्ट 345, 419, 494। These are all possibilities. ये targets होंगे आने वाले time पे। लेना है नहीं लेना, कब तक लेना, पता problem क्या है? अब छोटे दिल वाले लोग जो होंगे ना, जो छोटे capital वाले लोग हैं, I'm sorry, I don't want to hurt you, but I'm critical, I'm always critical. Problem ये होगी, आप 76 पे लोगे, गिर के किसी correction में करो, 56 आ गया ना, आप बोलोगे 20 रुपए तो तेरे बताते ही उड़ गए भाई, मैं क्या करूं? Are you seriously waiting for this 500 rupees? 500 रुपए के target के लिए वेट कर रहे हो? Are you seriously investing in Suzlon for 2040? और से 2030 अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, सुजलोन अपना काम कर रही है। लुक एट दिस सुजलोन गाइस, आपको अंदाजा भी नहीं है, हजारों करोड़ का डेट हैज ऑलरेडी बीन गॉन, इट इज जस्ट अ डेट फ्री कंपनी। 1 लाख करोड़, कांग्रेचुलेशन सुजलोन एंड टीम, 1 लाख करोड़ की लार्ज कैप कंपनी बन गई भैया। यहां पे स्टॉक का पी जो 160 के ऊपर था, 112 पे आ गया है, इंडस्ट्री पे क्या है 55, मैनेज हो रहा है। मैंने आपको पहली वीडियो से कहा, जाके वीडियोस को देखो, इट इज गेटिंग मैनेज, हो रहा है, ठीक हो रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल इज 24%, ह्यूज। इक्विटी 28.4, ह्यूज। क्या चाहिए आपको ऐसी कंपनी के लिए? फिर आप बोलोगे सर बाइंग करूं सेल करूं, आपकी मर्जी है भैया, मुझे नहीं पता। फ्री कैश फ्लो देखिए, दिस इज द ब्यूटी अबाउट द कंपनी एंड लुक एट दिस। Once upon a time, there was a company who had pledged all of his equity. 90% equity was pledged. Now, not even a single share is pledged, my dear friends. क्या चाहिए? मजा आ रहा है वीडियो में? लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, बहुत जिद्दी इंसान हो। P&L देखते हैं भैया, चीरफाड़ करना है, धाकड़ वाला है ना। साल दर साल हम बात करते हैं इस कंपनी की, जो कंपनी लॉस में थी, 1500 crores, 2690, थोड़ा सा प्रॉफिट आया, 177, अगेन लॉस, हॉपिंग प्रॉफिट 2887, थोड़ा सा स्पेशल इनकम आई थी उसको हटा देते हैं। उसके बाद में 660 crores, 862 crores, डेट किधर है भाई? डेट इज 150 crores ओनली, द प्रॉफिट्स आर मोर देन द डेट्स, खत्म, इंटरेस्ट कॉस्ट ये सब खत्म होने वाली है, आप समझ लीजिए। नेक्स्ट आपको जो रिजल्ट आएंगे, दे विल डेफिनेटली ब्लो योर माइंड एंड लुक एट दिस रिजल्ट। जून के रिजल्ट को देखिए, लुक एट दिस स्टेबिलिटी गाइस, लुक एट दिस स्टेबिलिटी, दिस इज व्हाट यू लुक फॉर अ कंपनी। एक कंपनी में ये देखना चाहिए, एंड लुक एट द सेल्स माय डियर फ्रेंड, 1400 crores, 1500 crores, 2000 crores,
2000 crores। और एक बात बताऊं, सुजलॉन की जो ऑर्डर बुक है ना, अगले 30 साल भी खत्म नहीं होने वाली है। तो क्या करना है, मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर कमेंट चाहिए कि क्या सुजलॉन आपके वॉच लिस्ट में, पोर्टफोलियो में है या नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। वॉच लिस्ट में क्या आपके पास रहने वाली है, क्या आप सुजलॉन में ट्रेड करने वाले हैं, क्या सुजलॉन को आप लेने वाले हैं, बेचने वाले हैं, आपका क्या मानना है सुजलॉन के ऊपर में। आपका बिल्कुल पॉजिटिव एंड ईमानदारी वाला स्टेटमेंट चाहिए भैया। सुजलॉन असल, अगर सुजलॉन घटिया कंपनी है, आपको घटिया लगती है, लिख दो भाई, इससे बेटर कंपनी लिखती है, इससे बेटर कंपनी कोई अवेलेबल है वो भी कमेंट में लिख दो, है ना। मजा आया वीडियो के अंदर में, दिमाग की बत्तियां जली हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो के ऊपर में मुझे 1 लाख से ज्यादा व्यूज चाहिए, इस वीडियो के ऊपर में मुझे आप सभी के कमेंट्स चाहिए। मेरे को अभी किसी भी वीडियो के ऊपर में 1000 कमेंट भी नहीं आए, बट कैन आई रिक्वेस्ट यू टू गिव 10,000 कमेंट्स, जितने लोग देखें, कैन आई रिक्वेस्ट यू फॉर अ सिंगल कमेंट सो दैट आई कैन फील कनेक्टेड विद यू। मेहनत आपके लिए करता हूं, आपका एक कमेंट मुझे फीडबैक देगा और मुझे मोटिवेट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही मोटिवेटेड रहिए, ऐसे ही वीडियोज को सर्च करते रहिए, ऐसे कंटेंट सर्च करते रहिए। वॉच लिस्ट जितनी बड़ी होगी उतने ज्यादा मल्टीबैगर्स आपकी झोली में होंगे। टेक केयर, कीप लर्निंग, बाय बाय, जय हिंद।